पिताजी प्रेम की चंडाल हे ईश्वर न जाने काम दोनों बहन कोई देख के कुल में जन्म ले लो हे बहन तू टेंशन नहीं ले बहन एक दिन ये भी कहते हैं बहन सोई घर में कि हम दोनों बहन खत्म करके जंगली भाषा दूसरा पुरुष नहीं टेंशन नहीं छो जब बिया करबे तो ओकरे से करबे नहीं करबे तो नहीं करबे हमू अहाँ के एकटा भगवान से प्रार्थना कयने छी जे जब बज दिया तो जंगली वर्षा एन भान आब करबे ये नमुआ अब गई बहिना आप लो यही बड़ी लेट लगले भान अपने सुगे दोनों भान तब तक ही अपन मुहूर्त में आराम करो हेलो Yeah.
जाऊंगा अगर मेरे ऊपर में कोई मुसीबत पड़ेगा तो सहारा रहना नानी। अच्छा प्रवेश करता हूँ। ये क्या है? अरे ये गेट क्या है सामने? ये गेट की जैसे कौन लगता है? ये तो राक्षस है, राक्षस। यही राक्षस हुआ है। एक काम करता हूँ, ये राक्षस को, बहुत बलवान होगा ये राक्षस, इसका बॉडी इतना बलवान है तो इसका कर्तव्य भी बलवान होगा। एक काम करता हूँ, अभी ये सो गया है, अगर जगा देंगे तो मुझे खा सकता है, इसलिए इसको सोए नींद में मार देता हूँ। सबसे पहले इसको दाएं पांव को काटता हूँ। इसके बाद दाएं पांव को काटता हूँ। तुझे जिंदा यह छोड़ूंगा। इसके बाद मैं इसे बाया भूजा को काटता हूँ। राक्षस उठने के लिए तैयार होता है, मुझे खाने जाए। जय लाली बंदवी, इसको दाया भूजा को काटता हूँ। दो भुजा को मैंने काट डाला, ये साला फड़फड़ा रहा है, इसको अब गर्दन काट देता हूँ। गर्दन काट, साला मर गया। अब जिसका डर था मुझे, वे राक्षस को तो मैंने वध कर दिया। अब भीतर प्रवेश करता हूँ पतालपुरी में, जो वे लड़की कहाँ कहाँ है अब तो लड़की को पता लगाना है। चलते हैं। आज घूमी घूमी आज खोज भाई है सवा जा यही भैया है। कहीं नहीं देखता हूँ ये वेव किन साउंड कहा सही है नहीं है। अच्छा एक तो देखी है और एक सो गई है, यही लड़की होगी, यही लड़की सब होगी, इसको मैं जगाता हूँ। हेलो ए लड़की लोग, ए लड़की लोग, ए उठो उठो, और देखो कौन आया है। हेलो हेलो, देखा तो तेरे घर में कौन आया है?
बोलो, नींद तोड़ करके देखो। डरो मत, तुम लोग डरो मत, आओ सामने आओ। क्या नाम है तुम्हारी, तुम्हारी नाम क्या है बताओ? गई कौन मुंसाची कभी कहला, नाम क्या है तुम्हारी? गो पहले ही कह तू एक अतय तू ये ला हमारे पिताजी से तुम्हारा मुलाकात नहीं हुआ जो पता पूरी ये ला। ए तुम्हारे पिताजी से मुलाकात नहीं हुआ? और कौन तेरा पिता है मुझे मालूम भी नहीं है, इसलिए तो मैं पूछता हूँ तुम्हारी नाम क्या है, नाम बताओ। नाम जानने से पहले तुम ये बताओ। नहीं नहीं नहीं, पहले नाम बताओ, तुम्हारी नाम क्या है? नाम हाँ हमारा नाम कदी चीजें पूछे। हमारा नाम छे लाल परी। लाल परी हाँ, बेटी किसकी हो? हितवा देती। हितवा देती क्या? हाँ। अच्छा तो बैठ जाओ। और तू क्या बहनी हो? तीन बहन। तीन बहन हाँ, लाल परी और हरियल परी और पियर परी। तो ये दोनों और कहाँ है? शाम के शाम सो गए थे। सो गए थे हाँ। तो इसको भी जगाओ। हाँ हाँ ठीक है, जगाइए। हेलो, उठो उठो, इधर आओ। कदी कैसे कहो इनका क्या नाम है? इनका पियर परी। पियर परी हाँ, ये बोक है? बोक नहीं है, बोलती नहीं है। इसका टेंशन हो गया है। टेंशन आपको देखने से टेंशन हो गया? हमको देखने से टेंशन? अच्छा हमसे, हमको देख करके टेंशन मत करो। ज्यादा हो गया, हम डर के मारे कुछ बोल नहीं रहे। डरो मत, तू लाल परी है। अते रात के मुनसा घर में तो डर नहीं होता है? अते रात के मुनसा है तो डर नहीं होते? अरे सुना हाँ, हमारा दोनों बहन से नाम ठेकान तो तू पूछ ले। अच्छा अच्छा, आ तू कत रहे? कत की नाम छा? अच्छा हम बता रहा छी, एहना बता दे छी कि हमर घर निर्गुण हिन्नी बन जंगल। अच्छा बता देता हूँ, समय नहीं है, बिहान होने वाला है। और नीचे से बोलता है, मेरा घर मेरा टुटली मरैया जंगल में है, जिस जंगल का नाम हिन्नी बन जंगल है। मेरी माँ है सिर्फ, माता जी का नाम सुषमावती है, ध्यान से सुनो। और एक नानी है, वे मंदिर में रहती है, उसका नाम बनदेवी है। वही टोटली मरिया में माँ ने मुझे जन्म दिया है, इसलिए नानी बनदेवी मेरा नाम जंगली बादशाह रखा है। जंगली बादशाह साला अपने आप काम बनने वाला है। जे पुरुष गादी की 12 बरस ऐश्वरी घर में आंचल बांधलो, उ पुरुष की आय हमरा दर्शन देला। हे परमात्मा देखे ले निके लगे, मुंह देखे ले निके लगे, ज्यादा महीना से सवत करे लगे। आओ बच्चों की क्या Yeah.
अच्छा ये बताओ क्या हम अपना परिचय देते हुए तुम मेरे पांव में क्यों गिर गई और मुझे पति क्यों मान ली। सुनो बात यहाँ कि जब माँ के गर्भ से हम पैदा लिए हैं तो एक ही प्रार्थना किए हैं, हे ईश्वर हे परमात्मा सब नीत पति भी कि हम तुलसी में जल ढाल लो, एक ही पुरुष पर कि हम तीनों बहन आंचल बांध लो। हे ईश्वर हे परमात्मा इस संसार में तीनों बहन के बल दिया तो जंगली बादशाह ते द्वारे हे स्वामी आई अहा के देख के हम तीनों बहन बहुत खुश भेलहुं जे ओ पुरुष के आय हमरा दर्शन देलक हम आके तन मन धन से पति के रूप में यहाँ के स्वीकार के लेंगे। ठीक है कोई बात नहीं है, बिना परेशानी से शादी हो गया। कितनी मर्यादा माँ अकेली रहती है वहाँ करने वाला भी कोई नहीं है, काम जवान भी मैंने हो गया, शादी भी हो जाएगी काम भी बन जाएगा। अच्छा तो सुनो अब हमसे पूछो, हम भी तुम्हें तीनों की तलाश में आया तो अगर जब मेरे पति मान लिया तूने तो पति का बात जो पत्नी का धर्म कहता है ना तो हम जो कहेंगे करोगी। हाँ तो चलो मेरे साथ। जहाँ तक चलने की बात है इस संसार में औरत के जब मायके में रही लड़की के माता पिता से हित कोई नहीं रहेगा, जब ससुराल जाइए तो घर वाला के सिवा अगला संसार में कोई नहीं रहेगा। हे स्वामी आप तो जाने के लिए कह रहे हैं, अगर आप कहिएगा कि प्राण देने के लिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो चलने के लिए तीनों बहन तैयार हैं, ले चलिए ले जाऊंगा। हाँ तो चलो मेरे ठीक है। सुनिए जाते जाते मैं आपसे एक विनती करती हूँ। क्या है वो कि आप तो तीनों बहन के लेके जा रहे हैं, एक बार अपने पिता को तो दर्शन कर ले। सुनो तेरा पिताजी को मैं दर्शन करूँ? सुन हाँ ना क्या हुआ जानती हो? ये पतालपुरी जो प्रवेश किया मैंने तो तुम्हारा पिताजी राक्षस है ना, हाँ वो मेन गेट पर सो गया था, मैंने प्रवेश करते हैं उसको मैंने देख लिया, थोड़ा सा अगर नहीं देखता तो मुझे खा लेता, तब तो हम ही खत्म हो जाता, लेकिन नानी बलदेवी ने मुझे सहारा है, ये मस्तक में नानी बलदेवी की वासना है, मुझे कोई बाल बगाना बिगाड़ सकता है। ध्यान में आ गया कि ये राक्षस वह है, सो गया था, उसका रंग रूप देख करके हमने सोचा कि इसको जगाएंगे तो मुझे खा जाएंगे, इसलिए अपने नानी बलदेवी की दिया हुआ चंद्रहास ये चंद्रहास से तेरे पिताजी को खत्म कर दिया। क्या आप पिताजी को मार दिए हैं? तेरा पिताजी यहाँ नहीं है, मर गया तेरा पिताजी।
अब डरना कोई नहीं है। एक काम करो, क्या अगर तेरा पिताजी मर गया, तुम्हें पति मिल गया, तो कम से कम पिताजी को संस्कार कर दो। हम जो कहेंगे आगे आगे, तुम बोलो पीछे पीछे, ठीक है ना? नाम नाम सत्य है, नाम नाम सत्य है। बोलेंगे राम नाम सत्य है, तू बोलो सबको यही गत है, तेरा पिताजी का संस्कार हो जाएगा। बहुत गला पड़ता है, बहुत कर देंगे गौ भाने मोर के लेके जी के जंजाल। हाँ हाँ, ये तो मैं भी डर रहा हूँ कि एक राक्षस के ओट से तुम लोग इतना सुन कैसे पैदा हो गई। अच्छा एक काम करो, लो चलो चलो, राम नाम सत्य है, सभी गत है, पिताजी का कोई टेंशन नहीं। बाबू ने वही आप जल्दी लेकर चलो। सुनो सुनो, अब मेरी बात सुनो, हमसे सारा बात पूछ लो तू लोग। अब चलो, हम किस रास्ते से आए हैं उस रास्ते पर जाना होगा। देखो जिस तरह तू तीन आदमी है ना, उस तरह मैं भी, मेरा पास में मेरा दोस्त है। आपका दोस्त है? दोस्त है, दोस्त ऊपर में बैठा है, वे रस्सी द्वारा मेरे कमर में रस्सी बांध करके, वे रस्सी को वहां मैंने छोड़ दिया हूँ और बोल दिया हूँ जिस दिन रस्सी को हिलाऊंगा उस दिन समझ लेना कि काम बढ़ गया, वो मेरा दोस्त खींचेगा, उसी द्वारा हम लोग लटकते फटकते ऊपर चढ़ जाएंगे। ठीक है स्वामी, तो चलो उस रस्सी के दौरान पे चलो। अरे उसके टांग में कुछ हो गया, आओ आओ, अरे खुश से जिसका जिसका ऐसा पति मिला, ऐसा पत्नी है, अभी टेंशन करती हो, चलो ना तुम्हें जो चाहिए हम है ना, आओ आओ इधर। Yes!
रंगमंच की तरह। हरे आए स्वामी, मैं जाने के लिए जा रही हूँ, मेरा रुमाल जो है वहीं पर रह गए हैं। क्या तेरी रुमाल छूट गई? चलो दूसरा रुमाल खरीद लेंगे। नहीं नहीं, आप जाइए और जल्दी से लेके आइए, तब तक हम रस्सी पकड़नी हुई है। अच्छा सुनो सुनो, एक काम करो, मेरा दोस्त रस्सी खींच रहा है। हाँ अच्छा, तुम अगर बात से नहीं मानती हो तो तेरा रुमाल हम ला देते हैं, लेकिन एक काम करना, अगर ऊपर जाएगा तो दोस्त को भी कहना और तुम भी बताना कि दोबारा रस्सी गिराने के लिए, ताकि मैं भी ऊपर आ सकता हूँ। देखो महाराज, कैसे लाल पारी, हरियर पारी, पियर पारी, आई बीच में क्या चल छे नेगरी पारी। देखते तू 6 महीने के जवान खा लेते हो। अरे आप कथी हेत की चल गए अपने के। देखो ये रहले रह गए वही में। सुनो रे देश भार ले जाओ, छोड़ दो उसको मरने के लिए वही। क्या थी बात और भी पान खाया हूँ मैं। देखो इसको ले तो चलो कहा निर्गुण फिर चाचा को, जो मैं सवन खाया था आज मैं पूरा करूंगा। झूठे बात चलो।